हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। गूगल शीट में दो बड़े कमाल के फॉर्मूले हैं और वो कौन कौन से हैं देखिए। पहला तो है इज टेक्स्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ नाम लिख लेता हूँ, ये एंटर किया, यहाँ पे कुछ नाम इस तरीके से मैं लिख देता हूँ अमित, तो ये मान लीजिए दो तीन नाम हमने लिख दिए हैं। और एक फॉर्मूला होता है इज टेक्स्ट, ठीक है। तो इज टेक्स्ट यहाँ पे लिखा और यहाँ पर पैरामीटर में आपको केवल इसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये ट्रू या फॉल्स में आंसर इवेल्युएट करके हमें दे देता है, तो ये टेक्स्ट है या नहीं है ये बता रहा है, देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक और होता है जिसे हम कहते हैं इज नंबर, तो इज इक्वल टू लगाइए और इज लगाइए, फिर यहाँ एन लगाइए, देखिए इज नंबर फॉर्मूला आ गया। अब ये इज नंबर क्या करेगा, बताएगा कि ये नंबर है कि नहीं है, तो यहां पर अगर हम जाते हैं तो ये फॉल्स में हमें आंसर देगा, अब इसी के बेस पर ये निकाल के हमें दे देगा सारा, ठीक है। लेकिन इसके जगह अगर नंबर हो जाए तो ये ट्रू जो है फॉल्स बन जाएगा और ये फॉल्स जो है ट्रू बन जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर 45 लिख दिया और जैसे ही एंटर करेंगे देखिए ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, यानी अब ये नंबर बन गया। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान दे रहे होंगे कि जब भी हम नंबर लिख रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक जो है किधर की तरफ चला जा रहा है, ये राइट की तरफ चला जा रहा है, और जब भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक लेफ्ट की तरफ मूव हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि एक्सेल में जो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होती है वो होती है टेक्स्ट की लेफ्ट साइड और नंबर की किधर होती है, राइट साइड होती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है।